बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे वी विल सी हाउ टू ड्रॉ द ब्रेकियल प्लेक्सस ऑन द पेज। ब्रेकियल प्लेक्सस की हमने पीपीटी प्रेजेंटेशन देखी, हमने उसका मेजर स्ट्रक्चर देखा दैट वर फॉर्म्ड ऑफ द रूट ट्रंक RTDCB, रूट ट्रंक ड्यूरियन कॉर्ड्स एंड द ब्रांचेस। तो आज हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ द ब्रेकियल प्लेक्सस ऑन द पेज। सो लेट सी इट। हमें पता है जो ब्रेकियल प्लेक्सस का जो मेजर स्ट्रक्चर है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ द RTDCB, और हमारे पास जो रूट्स हैं दैट आर द फाइव रूट्स। वो फाइव के फाइव रूट्स आपने यूँ लिख लेने हैं, दैट आर योर C5, C6, C7, C8 एंड देन द T1। अब जो रूट्स हैं ये हमारे पास क्या हैं, रूट्स। अब ये जो रूट्स हैं, अपर टू रूट्स और द लोअर टू रूट्स, ये दोनों कन्वर्ज होकर हमारे पास देते हैं एक वन ट्रंक। सिमिलरली ये दोनों कन्वर्ज होकर हमारे पास देते हैं एक ट्रंक, और जो हमारी जो C7 है ये किसी से भी कन्वर्ज नहीं, सिंपली कॉन्टीन्यूस है। तो जो अपर C5 एंड C6 देते हैं ट्रंक, दैट ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर ट्रंक। तो दिस इज अवर सुपीरियर ट्रंक। मिडल ट्रंक एंड देन हमारे पास है इन्फीरियर ट्रंक। तो हमारे पास कितनी, थ्री ट्रंक्स आर देयर एंड फाइव रूट्स आर देयर। नेक्स्ट ईच ऑफ द ट्रंक जो है वो टू टू डिवीजंस में डिवाइड होगी, दैट इज द एंटीरियर डिवीजन और हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन। यहाँ पर भी हमारे पास होगी वन एंटीरियर और वन पोस्टीरियर डिवीजन। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगी, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर डिवीजन्स। ये हमारे पास क्या होगी, डिवीजन्स। तो डिवीजन्स में आप देख सकते हो थ्री एंटीरियर डिवीजन्स हैं और थ्री पोस्टीरियर डिवीजन्स हैं, थ्री एंटीरियर एंड थ्री पोस्टीरियर डिवीजन्स। अब नेक्स्ट डिवीजन के बाद हमारे पास क्या आता है, कॉर्ड्स आते हैं। अब कॉर्ड्स किस तरह से बनेंगे, थ्री कॉर्ड्स हैं हमारे पास, लेटरल कॉर्ड, मिडल पोस्टीरियर कॉर्ड एंड द मीडियल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड एंड द मिडल कॉर्ड। अब वो किस तरह से बनेंगे, जो लेटरल कॉर्ड है वहाँ पर एंटीरियर डिवीजन ऑफ द सुपेरियर ट्रंक, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडल ट्रंक, ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाती हैं, लेटरल कॉर्ड। उसी तरह पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल द ट्रंक्स, ट्रंक्स में हमारे पास क्या है, सुपेरियर ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीजन, मिडल ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीजन और जो हमारी इन्फीरियर ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीजन, ये तीनों की तीनों पोस्टीरियर डिवीजन्स मिलकर हमारे पास क्या बनाती हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड। और उसी तरह से जो इन्फीरियर ट्रंक की जो एंटीरियर डिवीजन है वो सिंपली होगी कॉन्टीन्यू है एज योर मीडियल कॉर्ड। सो यूँ हमने कॉर्ड्स तक देख लिया। कॉर्ड कितने हमारे पास, थ्री कॉर्ड्स आर देयर, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड इन द मीडियल कॉर्ड और डिवीजन्स, और यूँ हमने देखा। आगे हम देखने लगे हैं ब्रांचेस। तो ये जो तीनों के तीनों कॉर्ड्स हैं, इन तीनों कॉर्ड से हमारे पास फाइव मेजर ब्रांचेस निकलती हैं और आगे माइनर ब्रांचेस भी निकलती हैं। तो सबसे पहले हम इनकी फाइव जो मेजर ब्रांचेस हैं वो देखते हैं। तो जो लेटरल कॉर्ड है इट इज़ कॉन्टीन्यूज एट योर मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। एक तो इससे मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व और इससे एक रूट निकलता है, दैट इज़ द लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। सिमिलरली हमारे पास जो मीडियल कॉर्ड है, तो मीडियल कॉर्ड से इट्स कॉन्टिन्यूज एज योर अल्नर नर्व और इससे रूट निकलता है, दैट इज द मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, और यू हमारे पास बनती है मीडियन नर्व, मीडियन नर्व। और मीडियन नर्व का लेटरल रूट लेटरल कॉर्ड से और मीडियल रूट आएगा मीडियल कॉर्ड से, ये हो गया। अब जो हमारे पास जो पोस्टीरियर कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड आगे टू ब्रांचेस में डिवाइड होता है,
अब ये जो इसकी टू ब्रांचेज हैं ये हमें टू मेजर नर्व्स देती हैं, दैट इज़ योर एक्सिलरी नर्व एंड योर ग्रेडियल नर्व। तो यूँ हमने इसकी मेजर ब्रांचेज देखी, अब हम इनकी माइनर ब्रांचेज देखती हैं। तो जो रूट्स हैं, रूट से हमारे पास निकलती हैं तीन माइनर ब्रांचेस। C5 से एक निकलती है जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल स्कैपुलर, नर्व। अब ये जो आपकी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है, इट सप्लाइज द रोमबॉइड्स, रोमबॉइड मेजर एंड द रोमबॉइड माइनर। उसी तरह से हमारे पास लॉन्ग थ्रेसिक नर्व निकलती है। अब जो लॉन्ग थ्रेसिक नर्व है, इसके रूट्स कहाँ कहाँ से आते हैं? C5, C6 एंड द C7। तो ये तीनों मिलकर हमारे पास बनाते हैं लॉन्ग थोरासिक नर्व, जो कि सेराटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है। तो इसके रूट्स अगर आप देखो तो दैट आर द C5, C6, C7 और इसका ओनली C5। ये एक हो गया। और दूसरी नर्व जो हमारे पास निकलती है माइनर, ये हम बात करें माइनर नर्व की, दैट इज़ फ्रॉम द C8, C7, C6, C5। तो ये जो नर्व है, नर्व टू लॉन्ग कुलाई एंड द स्केल इन मसल्स, C5, C6, C7, C8, ये हम इसकी माइन। अब जो हमारी जो ट्रंक्स हैं, अब ट्रंक में किसी से भी नहीं निकल रही एक्सेप्ट योर सुपीरियर ट्रंक। तो सुपीरियर ट्रंक से हमारे पास एक माइनर ब्रांच निकलती है, दिस इज द सुपरा स्केपुलर नर्व। सुपरा स्केपुलर नर्व के अगर आप रूट्स देखो तो दैट आर द C5, C6। यूँ हो गया। अब डिवीजन्स दो आगे डिवाइडेड हैं। अब लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड एंड द मीडियल कॉर्ड से मेजर ब्रांचेस निकल दिए हैं। पोस्टीरियर कॉर्ड से टू मेजर ब्रांचेस निकल दिए हैं, दैट आर द एक्सिलरी नर्व एंड द मीडियल नर्व। लेटरल कॉर्ड से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की मेजर ब्रांच है और लेटरल कॉर्ड लेटरल रूट ऑफ द मीडियल नर्व की मेजर ब्रांच। अब जो इसके अलावा इससे एक और माइनर नर्व निकलती है, दैट इज़ द नर्व, दैट इज़ योर पेक्टोरल नर्व। तो पेक्टोरल नर्व किसको नाम से हमें पता चले, दैट टू सप्लाईज योर पेक्टोरियलिस मेजर प्लस माइनर। उसी तरह हमारा जो पोस्टीरियर कॉर्ड है, पोस्टीरियर कॉर्ड से दो मेजर और तीन माइनर ब्रांचेस निकलती, 1, 2, 3, ये हैं इसकी माइनर ब्रांचेस। माइनर ब्रांचेस में हमारे पास कौन कौन सी, दैट इज़ योर अपर स्कैपुलर नर्व, लोअर, यहाँ पर लोअर स्केपुलर नर्व एंड बिटवीन दीज टू लाइज द थोरैकोडोर्सल नर्व। उसी तरह से जो हमारा मीडियल कॉर्ड है, इससे टू मेजर ब्रांचेस और थ्री माइनर निकलेंगी। थ्री माइनर कौन कौन सी हैं, दैट इज द मीडियल पेक्टोरल नर्व, यहाँ पर हमारे पास क्या है लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो यहाँ पर मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। तो यू हमने देखा लिटिल कॉर्ड से वन माइनर नर्व और टू मेजर, पोस्टीरियर कॉर्ड से थ्री माइनर नर्व्स एंड द टू मेजर, और मीडियल कॉर्ड से सिमिलरली थ्री माइनर नर्व्स एंड द टू मेजर नर्व्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट के ये जो नर्व्स हैं, माइनर नर्व्स एंड द मेजर नर्व्स, ये आगे किन किन मसल्स को सप्लाई कर रही हैं और इनके रूट्स क्या क्या हैं। सो यू हमने लिटिल कॉर्ड की माइनर ब्रांचेज और उनकी मेजर ब्रांचेज की नर्व इनर्वेशन देखी इनटू द मसल्स और उनके नर्व रूट्स। उसी तरह पोस्टीरियर कॉर्ड में हमारे पास क्या है, मिडिल कॉर्ड। तो मिडिल कॉर्ड से जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनको आपने याद किस तरह से करना है, 4M एंड द U, M एंड द U। M फॉर द मिडिल पेक्टोरल नर्व विच सप्लाइज योर पेक्टोरल मसल्स, M फॉर द मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व जो कि ज्वाइन करती है फर्दर टू योर लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। यू कैन सी दिस हियर, ये रहा हमारा मीडियल कॉर्ड।
तो मीडियल कॉर्ड से जो आगे नर्व रिकॉर्ड है टू मेजर अलर नर्व एंड द मीडियल, तो मीडियल रूट जाके ज्वाइन करता है आपकी मीडियल नर्व के साथ। उसी तरह से हमारे पास है जो बाकी लास्ट टू एम है, दैट इज़ द मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। कोई इनर्वेशन देते हैं द मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, तो वहाँ पर वो जाकर सेंसरी काम करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एंड पर रह जाती है अलर नर्व। अब ये जो सारी नर्व हैं जो मिडिल कॉर्ड से निकल रही हैं, इनके नर्व रूट्स कहें C8 एंड T1 एक्सेप्ट फॉर योर अलर नर्व, जिसके नर्व रूट्स कहें C7 C8 एंड T1। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द ब्रांचेस, मेजर एंड द माइनर ब्रांचेस फ्राम द कॉर्ड्स। और उसी तरह से हमने ये यहाँ पर देखे थे माइनर ब्रांचेस, ट्रंक से हमारे पास सिर्फ एक माइनर ब्रांच निकल रही है जो कि सुपीरियर ट्रंक से, दैट इज द सुप्रास्कैपुलर नर्व। और आगे फिर रूट से जो माइनर ब्रांचेस निकल रही थी C5 से जो निकलती है, दैट आर द डोर्सल स्कैपुलर नर्व, जो कि हम वायर्स को आगे जाके सप्लाई करती है। और यहाँ पर हमारे पास तीनों रूट C5 C6 एंड C7 मिलकर हमारे पास लॉन्ग थोरैसिक नर्व बनाते हैं जो कि इनर्वेट करती है सराटस एंटीरियर मसल को। और हमारे पास C5 C6 C7 एंड C8 तीनों मिलकर हमारे पास एक नर्व बनाते हैं जो कि लॉन्ग कोलाई एंड द स्केलिन मसल्स को इनर्वेट करती है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द ब्रेकियल प्लेक्सस। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई चैनल। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर। अल्लाह हाफिज़।